एक और जहां छत्तीसगढ़ लगातार कोरोना संकट की मार झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आज छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा। प्रदेश की पहले विश्व स्तरीय फ्रोजन फूड यूनिट का सीएम भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया है। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से रायपुर के बोरझोरा में इस यूनिट की शुरुआत की गई है। बता दें, इस नई यूनिट के जरिए 100% शाकाहारी रेडी टू कुक और 8 फ्रोजन फूड प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अतिथि सीएम भूपेश बघेल ने इसकी लॉन्चिंग कर दी है। इसी के साथ गोयल ग्रुप ने छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात दी है। जो गोल्ड जुड़ा है उसमें गोल्ड के पीछे छुपा है गोयल। गोल और गोयल दोनों अब समानार्थी हो जाएंगे, सत सत खड़ा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और छत्तीसगढ़ में फ्रोजन फूड्स का फूड का एक चयन शुरू हो रहा है, जिससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लोगों का इसका स्वाद का आनंद लेंगे। और ये जब गोल्ड का स्वाद लेंगे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी, तो छत्तीसगढ़ के माटी की सौंधी महक भी उन्हें मिलेगी। मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, बहुत बधाई शुभकामना। देखिए, यहां कोरोना में सब लोगों को रोजगार छूट रहा है और आपके क्षेत्र में नई फैक्ट्री खुला है गोल्ड, और उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि जहां रोजगार छूट रहा है या छीना जा रहा है, वैसे में आपके क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर मिले हैं। इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूं, और जिन लोगों को रोजगार मिला है और स्थानीय लोगों को प्रमुखता दी गई है, उसके लिए भी मैं गोयल। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, ऐसे में छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर संकट मंडरा रहा है, यह कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा। ऐसे में बार बार आईडीपी 24 न्यूज की टीम आपसे अपील करती है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।